नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल इक्विटी पावर में। इस चैनल में मैं आपको फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और उसी फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आज उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बहुत खुशी की बात मैं आज बताने वाला हूँ जो पेंशन के लिए एनपीएस या पीपीएस या किसी भी पेंशन स्कीम में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। क्योंकि पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स जब हम रिटायरमेंट लेते हैं, हमें पेंशन की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता पड़ती है। पर जो गवर्नमेंट जॉब में है वो भी उनके उनके साथ भी जो आर्मी में जो गवर्नमेंट जॉब में उनके साथ पेंशन की उतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है। बट जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं या जो लोग बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, जो दुकान खोलते हैं, जो भी काम करते हैं, उनके लिए पेंशन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है पेंशन के लिए किसी भी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जो पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट ना भी करें तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ही पेंशन मिलता है क्योंकि उनकी सैलरी में से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट डिटेक्ट करती है ईपीएफ में, राइट। तो जो बाहर के लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेस छोटे मोटे बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं कि पीपीएफ या एनपीएस या कोई पेंशन स्कीम का सहारा लेते हैं पेंशन लेने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। पहली बात की रिटायरमेंट कार्ड पेंशन की बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है। बट हमारा जो है रिटायरमेंट बाद पैसा अधिक चाहिए लेकिन पेंशन कम मिलता है, सैलरी अधिक होती है और सैलरी का 1/3 या 1/4 के आसपास पेंशन मिलता है। तो पेंशन कहते हैं ना जहाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहाँ कुछ आने की आशा नहीं होती वहां पर हम पेंशन लेके अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपने आफ्टर रिटायरमेंट अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। उन धारकों के लिए, उन पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बहुत ही सुखद इन्फॉर्मेशन ये कि जो पेंशन स्कीम है, जो पेंशन भविष्य निधि गवर्नमेंट के थ्रू जो संस्था है उन्होंने एक रेगुलेटरी संस्था को बनाने की पेशकश किया गया है। जो ईपीएफओ में जो मिस्टर सुप्रीम बंदोपाध्याय है उन्होंने क्या किया, एक स्कीम बना रहे, एक प्रोजेक्ट बना रहे जिसके तहत हो सके तो इस आने वाले बजट में वो स्पेस भी हो और उसके तहत एक ईपीएफ आरडीए बनेगा जिससे आईआरडीए इंश्योरेंस को रेगुलेटरी करने के लिए एजेंसी है, उसे ईपीएफओ हर पेंशन धारक को रेगुलेटरी करने के लिए एक एजेंसी बनेगी जो हर पेंशन धारकों को हर पेंशन स्कीम को अपने तहत लेगी और उसको अपने तहत से रेगुलेट करेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि किसी भी क्षेत्र में रेगुलेट करने वाली अगर संस्था हो जैसे शेयर मार्केट में देखिए या म्यूचुअल फंड में सेबी है, सेबी वो हर छोटे मोटे इन्वेस्टरों का ध्यान रखती है जो पैसा लगाते हैं। उसी तरह इंश्योरेंस में हर इंश्योरेंस का एक अपना नियम होता है। इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए के तहत ही इंश्योरेंस आपको देती है और आईआरडीए के तहत ही वो इंश्योरेंस सुरक्षित होता है। उसी तरह जो पेंशन होता है वो ईपीएफ आरडीए के तहत आ जाएगा हर पेंशन स्कीम और उस पेंशन स्कीम में आप एक रेगुलेटरी एजेंसी होगी जो रेगुलेट करेगी आपके पेंशन फंड को, आपके पेंशन स्कीम्स को और हर जो पेंशन धारक जो पेंशन पेंशन के लिए जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं या पेंशन धारकों का जो पैसा कहीं फंस जाता है। अभी भी देखिए पेंशन धारकों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। पेंशन धारक जो अगर पेंशन लेने जाते हैं, मैंने खुद फेस किया क्योंकि मेरे पापा ने पेंशन लिया था, उसमें भी मुझे दौड़ना पड़ा था, राइट। क्योंकि पेंशन के जब आफ्टर 60 ईयर्स पेंशन लेते हैं तो उनका मतलब थोड़े से उम्र ढलने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आता है इंसान को। तो पेंशन धारकों की सुविधा के लिए आरडीए बनाया जा रहा है कि कोई भी पेंशन स्कीम या पेंशन स्कीम के तहत कोई भी बैंक या कोई भी संस्था पेंशन धारकों को परेशान ना कर सके। और इस स्कीम में यह भी प्रस्ताव किया जा रहा है कि जो 80CCD के तहत जो इनकम टैक्स एक्ट 80CCD के तहत जो 50,000 बेनिफिट टैक्स बेनिफिट मिलता है उसको बढ़ाकर दोगुना करने की प्रस्ताव किया गया है जिसमें आपको 1,00,000 के तहत 80C के तहत जो आपको पेंशन इनकम टैक्स छूट मिलता है जो 80C के तहत 1,50,000 का है और आफ्टर 1,50,000 के प्लस में आपको 50,000 मिलता है 80CCD के तहत। उसमें क्या होगा कि आपका पेंशन स्कीम में जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको आपका टैक्स छूट दुगुना हो जाएगा। इससे क्या होगा जो 10,00,000 से अधिक जिनका इनकम है उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा और जो पेंशन टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट करते हैं और अनजाने में रिटायरमेंट के लिए पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं
उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि उनका 50,000 टैक्स रिबेट के अंदर आ जाएगा, और 50,000 के तहत आने के कारण उनके बहुत सारे परसेंटेज भी उनका टैक्स बच सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको टैक्स बेनिफिट 50,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आने वाले बजट में ये मिस्टर सुप्रीतम बंदोपाध्याय के द्वारा दिया गया प्रस्ताव है, और फाइनेंस मिनिस्टर आई थिंक इसको जरूर पेश करेंगे। और ये स्कीम जो, क्योंकि ये स्कीम हर इंसान के लिए जो ईपीएफओ में है, जो पीएफओ में, पीपीएफ में, जो एनपीएस में, उसके लिए वो ये फायदा होगा। और आज की अगर डेट में देखें जो ईपीएफओ जो सुपर एनुएशन और एनपीएस ट्रस्ट जो है वो 25 लाख करोड़ रुपए को रख रखाव करता है, जिसमें 4 लाख रुपए का जो केवल एनपीएस ट्रस्ट का आ जाता है। और ये इस ईपीएफआरडीए आने के बाद इस सारे फंड का रख रखाव, ये सारे फंड का जो कहते हैं रेगुलेटरी, एक फंड, एक एजेंसी बन जाएगी, एक रेगुलेटरी फॉर्म बनेगा, जो एक रेगुलेटर बन जाएगा, जो ये सारे फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, किस पेंशन धारक को पेंशन लेने में कोई असुविधा ना हो, उसका ध्यान रखेगा। और नए नए नियम कानून बनेंगे जो हर पेंशन धारक के लिए अच्छी बात होगी, हर पेंशन धारक के लिए सुविधा होगा। तो आज पेंशन धारकों के लिए इतना ही, क्योंकि रिटायरमेंट पे मेरा काफी फोकस है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट हर बंदे का जीवन जो होता है थोड़ा डाउन होने लगता है, क्योंकि पैसे की कमी आ जाती है और हम अपने बच्चों और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आने वाले आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, और आपका जीवन और आपकी फैमिली का जीवन अच्छे से चले, और आप अपने किसी बच्चे या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि आज की डेट में जो रिटायरमेंट में जितनी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगा, उसका रिटायरमेंट कॉर्पस उतना अधिक